पोखरण विधानसभा सीट साल 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, तब से लेकर अब तक पिछले 3 चुनाव में 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं एक बार इस सीट पर बीजेपी को सफलता मिली है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के शाले मोहम्मद और बीजेपी के महंत प्रताप पुरी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। इस चुनाव में शाले मोहम्मद की महज 872 वोटों के अंतर से जीत हुई थी। इसके बाद से शाले मोहम्मद ने पोखरण विधानसभा के रण में खुद को मजबूत करना शुरू किया और देखते ही देखते पोखरण के विकास में कई बड़े काम किए। अगर शाले मोहम्मद के प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो शाले मोहम्मद के प्रमुख कार्यों में आरटीओ कार्यालय का उद्घाटन, अतिरिक्त एसपी एएसपी पद का निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय और 2 अन्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन, नए पंचायत समिति का उद्घाटन, भनियाना में नया उप विभागीय मुख्यालय, रामदेवरा नगर पालिका का उद्घाटन का काम शामिल। वही शाले मोहम्मद कई मौकों पर हिंदू मंदिरों का दौरा करते रहे। शाले मोहम्मद की छवि मुस्लिम नेता नहीं बल्कि सर्वधर्म नेता के तौर पर मानी जाती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी शाले मोहम्मद एक मुस्लिम धर्म गुरु के बेटे हैं, उनके पिता गाजी फकीर के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार महंत प्रताप पुरी तार तराब मठ के महंत हैं। इन दोनों के बड़े चेहरों के कारण ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे हॉट चुनाव सीट में से एक मानी जा रही है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, राजपूत और दलित समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब वोट बैंक जीत हार में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।